हेलो फ्रेंड, मैं हूँ विजय और आप देख रहे हैं विजय मार्केटिंग आपका चैनल। तो आज मैं एक चीज़ का रिव्यू करने जा रहा हूँ, पतंजलि का एलोवेरा जूस। ठीक है, पतंजलि का एलोवेरा जूस के बारे में आपको पूरा डिटेल्स में मिल जाएगा, उसका फ़ायदा क्या क्या है, उसका क्या क्या बेनिफिट है, तो उसके बारे में इस वीडियो में पूरा जानकारी दे दूँगा। तो इस चैनल पर आप नया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और साथ में जो बेल आइकन है ज़रूर दबा दीजिए। तो चलिए वीडियो स्टार्ट किया जाए। हेलो फ्रेंड, तो चलिए मैं एलोवेरा जूस के बारे में आपको बोल रहा हूँ। हमारा साइड में दिखाई दे रहा है आपको एलोवेरा जूस है, ये पतंजलि का एलोवेरा जूस है। उसका MRP है 200 रुपया, आपका 1 लीटर का रहता है, 200 रुपया है पतंजलि का एलोवेरा जूस। अगर आपका दूसरा कंपनी का लेंगे तो दाम बहुत ज़्यादा होगा आपका, 300, 350, 400 बहुत ज़्यादा है। तो पतंजलि का सिर्फ दाम बहुत कम थी, ये फाइबर वाला है पतंजलि का एलोवेरा जूस। तो उसका फ़ायदा है आपका, देखिए मैं बोल रहा हूँ, अगर आपका बॉडी में ब्लड प्यूरीफाई करनी है तो आप एलोवेरा जूस ले सकते हैं। अगर आपका शुगर है तब भी आप ले सकते हैं, अगर आपका ब्लड प्रेशर है तब भी आप ले सकते हैं, अगर आपका बॉडी में कैंसर का कोई जाम है तब भी ले सकते हैं। आपका बॉडी अगर प्यूरीफाई नहीं होगा तो आपको बॉडी में जो भी कुछ है जाम है तो उस जाम के लिए आपको बॉडी में प्रॉब्लम हो जाएगा। तो मैं ये सजेस्ट करूँगा आप एलोवेरा जूस जरूर लीजिए। एलोवेरा जूस आपका बॉडी में जाने के बाद बहुत सारा जो आपका प्रॉब्लम होता है सब प्रॉब्लम को सॉल्व कर देता है। ठीक है, आपका कॉन्स्टिपेशन का प्रॉब्लम हो, आपका लीवर का प्रॉब्लम हो, किडनी का प्रॉब्लम हो, जो भी प्रॉब्लम हो आप एलोवेरा जूस खुद ले सकते हैं, क्योंकि एलोवेरा जूस कोई केमिकल नहीं है, वो एलोवेरा जूस एक पूरा नेचुरल होता है। ठीक है, आप एलोवेरा जूस का और एक टू प्रोडक्ट है, एलोवेरा जेल बोलता है उसका, आपका स्किन के लिए। ठीक है, आप एलोवेरा जूस भी लगा सकते हैं, क्योंकि दूसरा कंपनी होता है, दूसरा जूस होता है, वो केमिकल मिक्स होता है, लेकिन एलोवेरा जूस जो होता है वो सिर्फ नेचुरल होता है। ठीक है, आप अगर बाज़ार से नहीं खरीदेंगे तो आप घर में खुद लगा के वो एलोवेरा जूस यूज़ कर सकते, क्योंकि बहुत बढ़िया चीज़ होता है एलोवेरा जूस। आपका जो भी प्रॉब्लम हो एलोवेरा जूस ज़रूर ले सकते हैं। अगर आप एलोवेरा जूस के साथ आंवला आंवला के साथ मिक्स करके ले लेंगे तब भी तो और ज़्यादा अच्छा है। आपका कोई स्किन का प्रॉब्लम हो, अगर आपका बाल का प्रॉब्लम हो, बाल ज़्यादा झड़ रहा है तो भी आपको काम कर देगा। ठीक है, आपका स्किन का कोई प्रॉब्लम आ रहा है, खुजली वगैरह हो रहा है तब भी वो एलोवेरा जूस काम करेगा। आपका जो ब्लड प्यूरीफाई नहीं होता है तब भी आपका एलोवेरा जूस ले सकते हैं। उसके बाद कॉन्स्टिपेशन का प्रॉब्लम हो, पेट का प्रॉब्लम हो, गैस का प्रॉब्लम हो, बेसिकली तो ज़्यादा कैंसर पेशेंट के लिए तो बहुत बढ़िया चीज़ है, एलोवेरा जूस ज़रूर ले सकते हैं। एलोवेरा जूस का बहुत बेनिफिट है, तो मैं सजेस्ट करूँगा आप एलोवेरा जूस बिल्कुल लीजिए। एलोवेरा जूस ऐसा कोई बीमारी नहीं है जो वो सॉल्व करे, तो आप एलोवेरा जूस ज़रूर लीजिए, उसका कोई भी साइड इफ़ेक्ट नहीं है। एलोवेरा जूस आपका लेने का सिस्टम सुबह खाली पेट, लेकिन गर्म जल से, गर्म पानी से और लेंगे 10 ml, 10 से 15 ml गर्म पानी से ले लेंगे, और रात को खाने के बाद आपका गर्म पानी से 10 या 15 ml बेसिकली एक बार यूज़ करने से होता है। आप सुबह यूज़ कीजिए, थोड़ा खुश्ती है तो आप ऐसे ही यूज़ कर सकते हैं। आप सुबह यूज़ कीजिए 10-15 ml के गर्म पानी के साथ, आप खाइए देखिए आप, उसके बाद आपको पूरा जानकारी मिल जाएगा। तो चलिए वीडियो यहाँ पे ख़त्म करता है, अगर वीडियो को अच्छा लगा तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और साथ में बेल आइकन जो है वो दबा दीजिए, और अच्छा लगे तो शेयर और लाइक ज़रूर कर दीजिए। तो चलिए, बाय, धन्यवाद।